एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में इसकी चार एप्लीकेशंस हम करेंगे, और चार एप्लीकेशन में से जो एनसीईआरटी बोर्ड का पेपर है, इन एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव हर साल पेपर में आता है, किसी भी साल चेक कर लेना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा एनसीईआरटी के अंदर सब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव में जो आना है आना है, सब्जेक्टिव के अंदर तो गारंटेड पक्का क्वेश्चन आएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम और इसकी चार एप्लीकेशन, पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहली एप्लीकेशन की। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और लाइन चार्ज इन फाइनाइट वायर। तो आपने क्या किया, एक ये लाइन चार्ज ली, ये देख रहे हो ये लाइन चार्ज है, सिलेंडर नहीं है, लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, आपको क्या करना है, जैसे एक लाइन चार्ज है तो आपको आर डिस्टेंस दूर किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर ई की वैल्यू निकालनी है। गॉस ने क्या कहा था कि आप आर डिस्टेंस दूर ई निकालना चाहते हो तो मेरे नाम की गॉसियन सरफेस ले लो डीएस। तो किसी ने कहा आर डिस्टेंस दूर ये भी है, आर डिस्टेंस दूर ये भी है, 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 इस तरीके से। तो आप अगर उन सभी गॉसियन सरफेसेस को मिला दें, इमेजिनरी है कुछ नहीं, हवा में बातें हो रही हैं, इमेजिनरी मिला दें, तो मिलाने से क्या होगा, वो क्या फिगर बनेगी, एक इमेजिनरी सिलेंडर बन जाएगा। तो ये देख रहे हैं ये वो इमेजिनरी सिलेंडर है जो आसपास तैयार हो जाएगा। तो क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्लोज बॉडी चाहिए, अब लाइन एक क्लोज बॉडी तो थी नहीं, तो पहले गॉस क्या करेगा, क्लोज बॉडी बनाएगा। तो ये उसने क्लोज बॉडी बनाई ताकि वो गॉस थ्योरम अप्लाई कर सके। तो क्लोज बॉडी हो गई। अब गॉस ने कहा ठीक, आप ई निकालना चाहते हो कहां पे, आर डिस्टेंस दूर। तो ये एक स्मॉल गॉसियन सरफेस है, पूरा सिलेंडर एक टोटल गॉसियन सरफेस है, एक बड़ी गॉसियन सरफेस है। तो आप गॉसियन सरफेस क्या होती है, गॉसियन सरफेस वो सरफेस है जहां पर ई की वैल्यू निकालनी होती है, और ऑब्वियसली मेरे को ई की वैल्यू इसकी सरफेस पे निकालनी है, क्योंकि सरफेस पे कोई भी पॉइंट लोगे वो सेंटर से इस एक्सिस से आर दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो आप यहां पर ई निकालना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, अगर आप यहां पर चार्ज को प्लस वन रखें, प्लस वन, तो प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल। एरिया वेक्टर भी कहां पर है, राइट। तो आप यहां ले लें एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर कहां होगा, लेफ्ट। प्लस वन रखेंगे, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। जहां मर्जी ले लें, ई और डीएस में एंगल क्या आता जाएगा, जीरो। ई और डीएस में एंगल जीरो आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो उसने कहा कि ठीक है आप इंटीग्रेशन करें और फ्लक्स ई डॉट डीएस निकाल लें। तो आपने क्या किया, पहले स्मॉल फ्लक्स निकाला ई डॉट डीएस। तो पहले स्मॉल फ्लक्स निकाला ई डीएस कॉस जीरो, क्योंकि E और DS में एंगल क्या है, जीरो। तो यहां पर EDS, फिर टोटल पूरे सिलेंडर का फ्लक्स निकालने के लिए क्या करनी पड़ी, क्लोज इंटीग्रेशन। तो क्लोज इंटीग्रेशन में क्या, इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेगी, DS 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 मिलाओगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आएगा, जो कि क्या है, 2πr है। ठीक है, अब किसी ने कहा कि ठीक है सर आपने फ्लक्स कर्व्ड का तो निकाल दिया, आपने इन सरफेस का फ्लक्स ही निकाला, क्योंकि क्लोज बॉडी में ये सरफेस भी है और क्लोज बॉडी में ऊपर और नीचे की सरफेस भी है। तो अगर आप ऊपर की सरफेस लें यहां पे और स्मॉल एरिया इसका यहां पे लें, तो एरिया कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। और अगर आप यहां ई लें तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर कहां आएगा, राइट। तो ई और डीएस में एंगल क्या बनने वाला है, 90। तो फ्लक्स क्या आएगा, ई डीएस कॉस 90 इज जीरो। अगर आप यहां क्लोज बॉडी एक सरफेस लें तो एरिया वेक्टर यहां पर प्लस वन रख के ये राइट आएगा, तो फिर से एंगल 90, तो क्या आएगा, जीरो। तो इसलिए ऊपर और नीचे की सरफेस का फ्लक्स तो आएगा जीरो, और कर्व्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स आएगा 2πr l। तो यानी कि पूरी क्लोज बॉडी का फ्लक्स क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस कर्व्ड सरफेस का क्या है, 2e × 2πr l। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां पर? अब गॉस क्या कहता है, यार इतना करने की जरूरत क्या है, मेरे से पूछ लो फॉर्मूला। तो गॉस कहता है कि टोटल फ्लक्स क्या होता है, कितना चार्ज बताओ मेरी गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो ये सिलेंडर इसकी गॉसियन सरफेस है, वैसे तो लाइन इनफाइनाइट है पर मैंने गॉसियन सरफेस एल लेंथ के लिए इमेजिनरी, तो कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर लाए करता है। तो मैंने कहा कि ये मुझे जो दिख रहा है, बस मुझे ये दिख रहा है, ये जो लेंथ है वो सिलेंडर के अंदर लाए करती है, तो इतना ही चार्ज है, जो बाहर है वो नहीं लेना, जो अंदर है वो लेना है। तो इसकी लेंथ क्या है, एल, और इसकी डेंसिटी क्या है, लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को
लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इनटू एल, क्योंकि एल लेंथ का चार्ज निकालना है तो लैम्डा को एल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स है, क्यू इनसाइड क्या है, लैम्डा एल। तो आपके पास अपने तरीके से फ्लक्स आया टोटल बॉडी का, क्लोज बॉडी का, गॉस थ्योरम से फ्लक्स आया क्लोज बॉडी का, इन दोनों को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके एल से एल कैंसल, तो ई का क्या वैल्यू आ गया, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये आंसर आ गया। और चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, 2 इंटू 2 4, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर। ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने पिछले लेक्चर में किया था इनफाइनाइट वायर का लंबे इंटीग्रेशन से। तो फ्लक्स ज़्यादा काम की चीज़ है, इनफाइनाइट वायर का आंसर निकाल दिया। फ्लक्स में एक प्रॉब्लम है, ये फाइनाइट वायर नहीं कर पाएगा, फाइनाइट का एंगल क्या लेगा, तो फाइनाइट के लिए हमें थीटा वन थीटा टू वाला रिजल्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए सबसे सही है ये। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट वायर का? वैसे फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, अपना फॉर्मूला रजिस्टर निकालो और लाइन चार्ज का वो डायग्राम बनाओ और ये लिखो, इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।